आसाम टी कंपनी स्पेशल इन गोल्ड टी फैमिली मिक्स सैफ्रॉन लीफ ग्रीन टी अवेलेबल एट ऑल स्टोर्स नियर पांच चौरस्ता ओल्ड गंज महबूब नगर। एम ए बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग कलेक्शन अपोजिट सिंडिकेट बैंक न्यू टाउन महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रॉयल फंक्शन हॉल महबूब नगर में मुनक़िदा एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए जाबिर बिन सईद अल जाबरी इंचार्ज मजलिस मुतहिदा जिला महबूब नगर ने कहा कि मौजूद वक्फ अराजी का जो अरसे दराज से मसला था, इसको खत्म करते हुए मस्जिद शम्स की तामीर और हज हाउस की तामीर के लिए राह हमवार करने पर वजीर श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद शब्बीर बल्दिया काउंसिलर फ्लोरिडा TRS ने कहा कि मस्जिद शम्स से मुतासर वक्फ अराजी जो तनाजे का शिकार थी, इस अराजी के मसले को हल करने में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ जो अहम रोल अदा किए हैं, इसके लिए मुसलमान महबूब नगर की जानिब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। सैयद शफीउद्दीन खादरी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वक्फ अराजी का जो अरसे दराज से इस अराजी का मसला का शिकार था, इसको वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जिस तारीख से ये काम किया है वो एक इंतहाई बड़ा काम है, इसके लिए वजीर श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर जिला यूथ मजलिस ने भी मुखातिब किया। मोहम्मद जहांगीर कायद मजलिस के अलावा काउंसलरान बल्दिया सैयद मोहसिन मोहम्मद मुजम्मिल मोहियुद्दीन ख्वाजा पाशा सैयद अमजद शेख उमर राशिद खान मोहम्मद महबूब मोहम्मद मुनीर कोऑप्शन मेंबर अरशद अली एडवोकेट के अलावा मोहम्मद हाफिज मिर्जा जावेद बेग व दीगर मौजूद थे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसका मकसद है कि हज हाउस के लिए शम्स मस्जिद के बाजू की अराजी जो एक डिस्प्यूट में थी, जिसमें कई ज़माने से जो है ना मुकदमे चल रहे थे, उसमें जो है जो मुखालिफीन थे उनको और जो लोग हज हाउस के लिए वहाँ बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे श्रीनिवास गौड़ साहब से मिनिस्टर साहब से, तो कल उन्होंने उन तमाम मुखालिफीन को और जो दावेदार थे उसके उनको और जो हज हाउस के लिए जो है ना मुसलमान उस जगह पे बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन सबको बुलाकर अपने मकान पर जिस अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने एक संजीदा तौर पर अच्छा सा एक सलूशन निकाल कर उन सब से जो है ना ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा दिया गया कि भाई उस जगह पर अगर हज हाउस और शम्स मस्जिद की डेवलपमेंट करते हैं तो वो जो मुखालिफिन हैं वो लोग उसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी या किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ये एक ऐसा इकदाम है जिसके लिए हम तमाम मुसलमान जनाब वी श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका उनको इस इकदाम के लिए उनका खैर मुकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे तेलंगाना में आप जानते हैं अब जो असम्बली चल रही है उसमें जो है पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे कायद मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है ना इस अवकाफ़ी जायदाद के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 70,000 एकड़ से ज़्यादा अराजी तमाम तेलंगाना में है, जिसमें से 57% जायदाद पर यानि काबिज़ीन हैं और उसी तरीके से महबूब नगर में 27% जायदाद पर अवकाफ़ी काबिज़ीन हैं। तो हम इस मौके पर ये भी हम चाहते हैं जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब और तेलंगाना हुकूमत, क्योंकि एक मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, तो हम ये चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान देते हुए तमाम काबिज़ीन को इस कब्ज़े से हटाकर इसको मुसलमान के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें इन ज़मीनों को और इनके लिए जो वक्फ़ है उसके तहत उस पर काम करने के लिए हम तमाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और श्रीनिवास गौड़ साहब का फिर एक बार हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में हज हाउस की ज़मीन और शम्स मस्जिद की ज़मीन को यानि वक्ती उन जो लोग उस पर जो है दावे डाले थे उनसे एक मेमोरेंडम लिखा कर उन्हें यानि किसी और जगह पर उसका मुआवजा देने की बात कर उनसे जो है ना इसको साफ़ किया है और ये
दिए हैं हज हाउस के लिए ज़मीन, इसी तरीके से तमाम खाबिजीन से एक मीटिंग कर कर इस ज़मीनों को अगर वो कब्ज़े से हटाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा इकदाम होगा मुसलमानों के हक़ में। और इसके लिए हम जनाब श्रीनिवास गौड़ मिनिस्टर साहब और तमाम तेलंगाना की हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं मुसलमानों की जानिब से, और इस इकदाम का हम खैर मुकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यकीनन महबूब नगर के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही खुशाइन बात है कि जहाँ मिनी हज हाउस का तामीर का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो तनाज़े चल रहे हैं अदालतों में, ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर्स बनाने की बात करे। तो मैं बहैसियत एक मुसलमान और तमाम मुसलमानों की तरफ से अली जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब का बेहद ममनून और मशहूर हूँ, जिनकी काविशों की वजह से आज हमें एक हज हाउस जहाँ पे काफ़ी तनाजात थे, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स भी देखे, यकीनन एक बड़ी मुसलमानों के लिए कामयाबी है जिसको दिलवाने में मिनिस्टर साहब का बहुत ताऊन और हाथ रहा है। हजरात, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेमनर के हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि मेमनर में एक मिनी हज हाउस बनाया जाए। आपने पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हज हाउस की तामीर का काम अभी तक 3 से 4 जगह फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश थी कि शम्स मस्जिद के पास इसकी तामीर हो, और अल्लाह का बड़ा करम है कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी में चाह रहे थे कि इस जगह बने, क्योंकि खलबे शहर में है, हैदराबाद से आने वालों के लिए, रायचूर से आने वालों के लिए, और महबूब नगर मुत्तहदा ज़िले के कोने कोने से आने वालों के लिए सहूलत बख्श है। इन हालात में जहां ज़मीनों की कीमतें करोड़ों की तरफ छू चुकी हैं, मिनिस्टर साहब की रास्त निगरानी और रास्त तरीक़े से इस मसले के हल के लिए बातचीत की वजह से आज मुसलमानों को एक बड़ी कीमती जायदाद मिल रही है जिसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मस्जिद शम्स शाह साहब गुट्टा महबूब नगर की जो ज़मीन का मसला था, दोनों पार्टीज़ के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करा के मिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब अपने घर पे दोनों को बुला के समझा के और उनको भी अल्टरनेट अरेंजमेंट करके वो लोग भी नाराज़ नहीं हुए। जैसा मस्जिद की जो अभी मौजूदा मस्जिद की भी आराजगी को और बाजू में हज हाउस के लिए भी जो ज़मीन खाली ज़मीन थी उस पे हज हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए आज जो कॉम्प्रोमाइज़ कराए, वो ज़मीन जो करोड़ों में आज उसकी कीमत है, वो ज़मीन को इतनी आसानी से 45 साल 40 साल से 5-6 केसेस चल रहे, रोज़ वहाँ पे हिफाजत करने के वास्ते बहुत सारे लोग उसकी हिफाजत में भी लगे हुए थे, उस वो मसला इतनी आसानी से जो 4-5 दिन से मिनिस्टर साहब अपने मकान पे बुला के वो लोगों से नेगोशिएट करके बात करके उनको भी खुशी खुशी वो लोगों को भी मना के जो आज करे, शायद हमारे लिए और हमारी आराजगी वक्फ की आराजगी मुसलमानों की आराजगी है, तो हमारी आराजगी की को सेव करे। मैं महबूब नगर के मुसलमानों की तरफ से श्रीनिवास गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो पेपर्स आप ये मस्जिद शम्स के लिए भी जो आराजगी थी वो भी
मस्जिद शम्स के आराजगी के जो इहाता है वो भी क्लियर करा दिए, वो भी उसका भी एक अलग डॉक्यूमेंट बनाएं, इसका भी एक डॉक्यूमेंट बनाएं, हज हाउस का भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। सबकी तरफ से मिनिस्टर साहब का फिर से तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुसलमानों के लिए उनका तावन इसी तरह हर मसले में तावन रहना बोल के उनसे भी गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पूरे चैनल्स वालों को मैं खैर मुकदम करता हूँ। गुज़िश्ता 30 से 40 बरस से मस्जिद शम्स के बाजू में जो अराजी थी, वो अराजी के सिलसिले में कल दो पार्टीज़ के बीच में जो ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, जो शम्स मस्जिद के बाजू के जो ज़मीन के बारे में लेकर, उस ज़मीन को कल हमारे हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर श्री वी श्रीनिवास गौड़ साहब के मकान पर कल दो पार्टीज़ को बुलाकर वहाँ पर संजीदगी से ज़मीन के मसले को हल किया गया है, और मस्जिद शम्स के बाजू में हज हाउस की तामीर के लिए दो पार्टियों को बिठाकर रजामंदी किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब जब से अलहदा तेलंगाना अलग होने के बाद गुज़िश्ता 7 सालों से जो तेलंगाना स्टेट जो तरक्की के उस पर जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे सीएम केसीआर साहब की सदारत में, हरदिल अज़ीज़ साहब हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब की सदारत में जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल जो देखे हैं हम, कल श्रीनिवास गौड़ साहब के घर पे देखे हैं हम, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों को समझा कर वहाँ कर ज़मीन दिलाकर हज हाउस की तामीर करने के लिए हमें जो तवक्कुन दिया है हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का, मैं तहे दिल से और हमारे काउंसलरों की तरफ से और हमारे शहर महबूब नगर के अवाम के तरफ से मैं तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ शहर महबूब नगर एक डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैनाडिस के लिए 1,20,00,000 की लागत से 120 करोड़ की लागत से वीरणापेट में रेजिडेंशियल स्कूल लाया है। तेलंगाना के कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई मिनिस्टर्स कोई एमएलएस नहीं लाया है। वाकई तारीफ़ काबिल है। अब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, आप लोग कभी भी आके देख सकते हैं, उसका जायज़ा ले सकते हैं। और दूसरी बात, माइनॉरिटीज़ को और नॉन माइनॉरिटीज़ को भी सीएम रिलीफ फंड दिया जा रहा है। तकरीबन कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई इजलास में नहीं चल रहा है, लेकिन सीएम रिलीफ फंड यहाँ पर जो भी दवाखाने में जेरे इलाज होते हैं वहाँ पर जाके उनकी मिजाज पोशी करके उनके बिलों को मैं देता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेके आप लोगों के बिलां दिलाता हूँ। उनके वो लोग वादा करते हैं पेशेंटों के पास जाके मैं तहे दिल से हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जब से तेलंगाना हुकूमत जब से आई है हमारे सीएम केसीआर साहब की तरफ से मैं जो 7 साल के दरमियान ना एक झगड़ा और ना एक कर्फ्यू ना एक फसादात हुए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो गुज़िश्ता सरकारों में देखें हम, कर्फ्यू होते थे, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होते थे, हिंदू मुस्लिम के फसादात होते थे। आज तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद गंगा जमुना तहजीब का मिसाल चल रहा है। बहुत बहुत मैं और एक मरतबा हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो हम के हज हाउस के तामीर के लिए और हज हाउस की ज़मीन को जो हम मस्जिद शम्स के बाजू में रूबरू बाजू में जो दिलाया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। इला वचेसिन गौरव मा टीआरएस फ्लोर लीडर शब्बीर गारिकि, मा शफी भाई गारिकि, मा जहांगीर गारिकि, मा जाकिर साहब अडवोकेट गारिकि, मा जाबिर साहब गारिकि, पाशा भाई अमजद गारि, मोहम्मद महबूब अंड उमर गारिकि, मरियु मना मुनीर कौंसलर मरा अर्षद कॉप्शन गारिकि,
మా ముజమ్మిల్ కౌన్సిలర్ గారికి, మా మైనార్టీ సోదర తయ్యబ్ గారికి, అందరికీ ఇక్కడ వచ్చేసిన ఖాజీ మలి గారికి, అందరికీ మా మీడియా మిత్రులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇవాళ మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన సందర్భం ఏమంటే, మన మహబూబ్నగర్లో గత చాలా కాలాల నుంచి మాకు సరైన మినిస్టర్, సరైన ఎమ్మెల్యే ఎవరు దొరకలేరు. ఇవాళ మాకు సరైన మినిస్టర్ దొరికినరు కాబట్టి ఆయన మా మినిస్టర్ గారిది ఒక కోరిక ఉండే. ఏం కోరిక అంటే, ఆ మైనార్టీ సోదరులకు మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ తేవాలి, మరియు మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ తేయాలి, మరియు ప్రతి విషయంలో మైనార్టీస్ కానీ, మన ఎస్సీ ఎస్టీస్ కానీ, మా ముదిరాజ్ సోదరులు కానీ, ప్రతి కులంకి పనిచేసే వ్యక్తి మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సాబ్ మినిస్టర్ సాబ్. అయితే ఇవాళ మా మినిస్టర్ గారు కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో మైనార్టీ సోదరులకు మా మహబూబ్నగర్లో ఒక హజ్ హౌస్ ఏర్పాటు చేయాలని ఉండే. ఆ ఉద్దేశంతో మన మహబూబ్నగర్కి నారంపేట నుంచి కానీ, కర్నూలు నుంచి కానీ, కడప నుంచి కానీ ఎవరైనా వస్తే ఈ హజ్ హౌస్లో ఉండి మంచిగా ప్రార్థనలు చేసుకొని, దీని తర్వాత ప్రార్థనలు చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి మనకు శంషాబాద్ ఏర్పాటు పోయి హడావుడిగా చేయకుండా దగ్గరలో ఉంది. మాకు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓన్లీ వితిన్ 70 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1 అవర్లో మనం చేరొచ్చు దానికి. అందుకోసం మా మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో మా లోకల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక హజ్ హౌస్ తేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ హజ్ హౌస్ కార్యక్రమంకి చాలా చక్కగా అందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి మా మినిస్టర్ గారు ఒక వాల్యుబుల్ ప్లేస్, 20 కోట్ల ఆస్తి అది ఒక హజ్ హౌస్కి ఇచ్చిండు మా మినిస్టర్ గారు. దానికి మరియు డెవలప్మెంట్కి 50 లక్షలు కూడా శాంక్షన్ చేసిండ్రు. మరియు 50 లక్షలు కానీ ఇంకా కోటి రూపాయలు అయితే కూడా చేద్దామని మాట ఇచ్చిండ్రు. ప్రతి మంచి మంచిగా ఉండాలి, బాగుపడాలి, మంచిగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది చేసిండ్రు. ఇంకోటి మా మహబూబ్నగర్లో కూడా చాలామందికి కళ ఉండే, అరే మా మహబూబ్నగర్లో హజ్ హౌస్ వస్తుందంట, ఎక్కడ వస్తుంది, ఎక్కడ ఇస్తారో ఇయ్యారో అని ఆలోచన ఉండే. కొంతమంది ఉంటారు చీరపళ్ళులాగా, ఎప్పుడో ఫేస్బుక్లో ఫేక్ ఐడి నుంచి తీస్తారు, ఏదో ఒకటి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లలో పెడతారు, దాని తర్వాత మొత్తం చెడు చేస్తారు. కానీ మంచి చేసిన వ్యక్తికి ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు, చెప్పరు. కానీ వీళ్ళు అన్నీ తెలిసి తెలివక చేస్తారు పనులు. అసలు వాళ్ళకి మీరు ఎవరు నమ్మకూడదు. ప్రతి కులంకి పనిచేసే మా నాయకుడు ఒకడే, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. ప్రతి కులంకి, ప్రతి మతంకి పనిచేసే మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. ఆపత్తి వస్తే ఆదుకునే మనిషి కూడా మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. మా తెలంగాణ స్టేట్కి ఒక బలమైన లీడర్ మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు. మా మహబూబ్నగర్కి ఉన్న ఎమ్మెల్యే మా మినిస్టర్ గారు, అది మా అదృష్టం, మా అందరిది అదృష్టం. చూడండి, ప్రతి అడుగు మీద అభివృద్ధి కనిపిస్తాయి, ప్రతి వీధిలో అభివృద్ధి కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడూ దూరం చేసుకోకూడదు. ప్రతి కమ్యూనిటీ కలిసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా, ఎంతకుముందు వచ్చిన 57 మెజార్టీ కాదు, 1000 మెజార్టీ కాదు, ఇప్పుడు 80,000 మెజార్టీతో గెలిపించాలని అందరితోనూ కోరుతున్నా. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా మినిస్టర్ గారి గురించి మనం కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాం. అందరికీ నమస్తే. నాకు టైం ఇచ్చిన అందరికీ వారికి నమస్తే. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।